पिछले बहुत दिनों से ब्लॉग्स ना डालने का कारण इतना पीठ दर्द और ये मेरा शोल्डर पेन, मैं क्या ही बोलूं। ज़्यादातर रोज़ सुबह उठकर ये एक्सरसाइज करता हूँ तो बहुत रिलीफ मिलता है और मसल में जो स्टिफनेस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो जाता है। मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, शायद आप लोगों को मदद मिल जाएगी ये पेन में। पहले तो आप अपने इस मतलब जिस शोल्डर में पेन है उस शोल्डर के बाजू को ऐसे करना, फिर इसको पीछे से इस हाथ के सहायता से पीछे से इसको पुश करना अगर पेन इधर हो तो। और भी एक एक्सरसाइज है, अगर शोल्डर पेन होता है तो आप लोगों को क्या करना है, इस जिस शोल्डर को पेन है इस शोल्डर को थोड़ा लिफ्ट करना है और सर को भी ऐसा करना है और शोल्डर पीछे जाएगा और शोल्डर अपने माथे को हेड को इधर लीन करना है और फिर उस दिशा देखना है ऐसे करके। और ये इस पोस्चर में आप लोगों को लगभग 5 मिनट तक होल्ड करना चाहिए। देन और एक एक्सरसाइज है मैं दिखाता हूँ, अगर आप लोगों के पेन यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच है, जैसे कि मेरा यहाँ पर है अभी, तो ये एक्सरसाइज बहुत काम देगी। ऐसे करके नीचे अपना सर रख देना है, झुकाना है और 5 मिनट तक होल्ड करना है, फिर इसका ऑपोजिट करना है। बहुत इफेक्टिव है, आप लोग कर सकते हो अगर आपको पेन है पीठ दर्द मतलब बैक में। सो एनीवे वेलकम टू द चैनल, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हो सौरभ क्रिएट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अभी सुबह का टाइम हो रखी है 7:30 और मैं आज इस ब्लॉग में मेरा जो लेटेस्ट फ़ोन है जिससे मैं शूट करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी M1, इसका ब्लॉग टेस्ट दूंगा। तो आप लोग जुड़े रहें और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज धूप नहीं है, गर्मी भी नहीं है, इसलिए ब्लॉग करने में मज़ा होगी, वरना इतना तेज़ तरह धूप निकलती है और क्या ही बोलूँ, कुछ मतलब कैमरा होल्ड करने का भी ताकत नहीं रहता। और मेरा ये घर टीन का है, दोनों तरफ वॉल सीमेंट का वॉल, और इतने गर्म लगता है कि अगर टेम्परेचर बाहर 30 डिग्री भी होता है तो अंदर इसका 45 डिग्री 15 डिग्री एक्स्ट्रा हो जाता है, बहुत तकलीफ़ होता है। सो अभी मैं शूट कर रहा हूँ इसका फ्रंट कैमरा के सहायता से और मैं इसका दिखा देता हूँ स्टेबिलाइजेशन टेस्ट। मैं अभी पैदल चल रहा हूँ, मेरी स्क्रीन में तो ठीक ही दिख रहा है, इतना भी शेक नहीं हो रहा है। अभी मैं रनिंग करता हूँ।
तो इसका फ्रंट कैमरा में EIS और OIS कुछ भी नहीं है। आप लोगों को ये बैकग्राउंड में दुनिया हिलती दिखती रहेगी। तो और इसका एक्सपोज़र भी बहुत ही सही है। मतलब अगर आप लोग मेरे कुछ दिन पहले का वीडियो देखोगे तो उस दिन सूरज था और एक्सपोज़र भी मैंने एक पार्ट में दिखाया था। एक्सपोज़र बहुत अच्छी है। और एक चीज़ है कि इस फ़ोन में इसका जो स्टॉक कैमरा है, आप लोग फ्रंट और बैक कैमरा में लाइव वीडियो करते समय टॉगल कर सकते हो। ये बहुत अच्छे फीचर है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। देखो सुंदर सा टॉगल हो चुका है, पर अभी इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे वीडियो को स्टॉप करना होगा। देन मैं स्टेबलाइजेशन टेस्ट वगैरह दिखा पाऊंगा, वाइड एंगल शॉट भी दिखा पाऊंगा। अभी मैं इसका बैक कैमरा का स्टेबलाइजेशन टेस्ट दिखा रहा हूँ बाय वॉकिंग। और एक बात क्लियर कर दूँ, अगर लो लाइट में आप लोग शूट करते हो तो स्टेबलाइजेशन ठीक तरह से वर्क नहीं करेगा, लॉट्स ऑफ ग्रेन्स दिखाएगा अपने वीडियो में। तो लेट्स बिगिन बाय वॉकिंग स्टेबलाइजेशन टेस्ट 1। स्टेबलाइजेशन टेस्ट 2 बाय रनिंग। नाउ इसका वाइड एंगल टेस्ट। इसका वाइड एंगल लेंस सेंसर 8 मेगापिक्सल का है। सैमसंग के फुटेज लगभग बहुत ही सेचुरेटेड होता है, इतना फेडेड नहीं होता। वीवो और उस तरह के फ़ोन में आप लोगों को नेचुरल सा कलर टोन दिखने को मिलेगा। ये पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, किसी किसी को सेचुरेटेड फुटेज अच्छा लगता है और किसी को ये फेडेड। स्टेबलाइजेशन टेस्ट 2 बाय रनिंग इन वाइड एंगल कैमरा। अभी चाय टेस्ट और चाय ब्रेक। बहुत गर्मी है। दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा है ये 32 मेगापिक्सल का है और मेरे पिछले फ़ोन का फ्रंट कैमरा सिर्फ 2 मेगापिक्सल का था, तो उसके तुलना में इसका 32 मेगापिक्सल का फुटेज बहुत ही अच्छी है और बहुत शार्प इमेज और वीडियो निकल कर आती है। और अभी दिख रहा हूँ इसका बैक में क्वाड कैमरा सिस्टम है। सबसे बड़ा कैमरा है 64 मेगापिक्सल का और लगभग ये बहुत अच्छे क्वालिटीज़ के फ़ोटोज़ देते हैं। और ये है वाइड एंगल कैमरा जो कि है 8 मेगापिक्सल का, और ऊपर में जो दो दो सेंसर आप लोगों को दिख रहा है वो है 5 मेगापिक्सल ईच, मैक्रो शॉट कैमरा और डेप्थ सेंसिंग कैमरा। अभी थोड़ा थोड़ा करके बारिश गिर रही है तो मैं शायद ये अभी कंटिन्यू ना कर पाऊँ, मैं शाम को ये वीडियो कंटिन्यू करूँगा। पर एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका जो फ्रंट कैमरा की अपर्चर है वो है 2.2 और जो इसका मेन कैमरा रियर कैमरा का अपर्चर है वो है 1.8। जितना अपर्चर कम होगा उतना ही लो लाइट में उसका परफॉर्मेंस सही होगा। तो फ्रंट कैमरा से अगर आप लोग रात में ब्लॉगिंग करते हो इन अंडर लो लाइट कंडीशन, वो भी मैं इस वीडियो के अंत तक दिखाऊंगा कि कैसा परफॉर्म करता है। फिर भी अगर जैसे मान लो कि स्ट्रीट लाइट हो तो शायद इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म ना करे। इसके लिए आप लोगों को अलग सा एक बहुत अटैचमेंट आते हैं, एनहेंसमेंट आते हैं, LED लाइट करके आते हैं जो आप अपने फ़ोन के ऊपर माउंट कर सकते हो
इसे छोटे छोटे करके इन क्यूब शेप आते हैं, अमेजोन में शायद मिल जाएगा, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो उस एनहेंसमेंट को लगाकर आप लोग लो लाइट में अच्छी तरह से वीडियो शूट कर सकोगे। अभी जो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये इसका सिर्फ फ्लैश से ही है, कोई एक्सटर्नल लाइट सोर्स नहीं है और बिल्कुल बिल्कुल पिच डार्क है। सो जो भी आप लोग देख रहे हो इस वीडियो में वो सिर्फ इस फ़ोन का फ्लैश लाइट से ही, फ्लैश लाइट के सहायता से ही शूट किया गया है। आज शाम से ही बारिश हो रही है और लोड शेडिंग भी साथ साथ चल रही है, पूरा सुनसान हो रखी है चारों ओर, किसी के घर में भी लाइट नहीं है और ये टिप टिप करते हुए बारिश में और साथ में मेरा बच्चा बैठा हुआ हूँ और इस मी टाइम का आनंद ले रहा हूँ। तो दोस्तों अभी घड़ी में बज रहा है 9:31 PM रात का, और मैं इस फ़ोन का फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ अंडर 9W LED बल्ब, और एक ही बल्ब है मेरे इस रूम में। तो आप लोगों को शायद इसका आइडिया लगा होगा लो लाइट परफॉर्मेंस इसके फ्रंट कैमरा की। मेरा ये हैंड फुल्ली अभी एक्सटेंड करने से लगभग बहुत सारे बैकग्राउंड में व्यूज़ कवर हो रही है, अगर इसके साथ एक गिम्बल हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, फुल्ली स्टेबलाइज हो जाएगा ये वीडियो, क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा में EIS और OIS कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से इस बजट में ये एक डिसेंट फ़ोन है अगर आप लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो और कोई भी कैटेगरी में यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक और शेयर कर देना और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपके ये छोटे से काम के वजह से, मतलब सब्सक्राइब करने से हम जैसे क्रिएटर्स को बहुत मोटिवेट मिलता है। और ऐसे ही आप लोगों के पास मैं इंफॉर्मेटिव और ऐसे ही ब्लॉग्स वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय शिव शंभू।